देखिए नवाब साहब, देख तो रहे हैं। यहाँ देखिए, पहली बात तो ये कि आपको बिना हमें इन्फॉर्म किए, बिना किसी एडवांस नोटिस के किराएदार को रखना ही नहीं चाहिए था, वो भी थाने के ठीक ऊपर। और अगर रख भी दिया तो कम से कम कुछ शांत लोगों को रखते। ये लोग इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि हमें खुद के विचार सुनाई देना बंद हो गए हैं। नियम कायदा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। पुलिस वेरिफिकेशन नाम का एक नियम निकला हुआ है कि कोई भी किराएदार रखने से पहले वो वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। पूरे जहान में आपने अपना प्रॉपर्टी खरीद के रखा हुआ है, इतना नहीं मालूम आपको? देखिए नवाब साहब, पुष्पा जी, देखिए क्या है ना पुष्पा जी, कि 6 महीने हो गए ना हमको किराए के जो ना दर्शन नहीं हुए। अरे हम तरस गए हैं उसकी शक्ल देखने के लिए। और देखो बड़ी मुश्किल से हमको ये किराएदार मिले हैं, और आप लोग ये चाहती हैं कि हम इनको बाहर निकाल दें। नवाब साहब देखिए, हम आपकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन ये थाना है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में। हाँ अरे पुष्पा जी, अगर आपको दिक्कत हो रही हो ना, तो आप अपने टेबिल मैन के साथ जो हमारे घर में आ जाइए, खत्म मामला। पुष्पा जी, वो जो पीछे वाले गोलगप्पे थे ना, लाना भूल गए, अगली बार। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। अच्छा गावत, अगर इस वक्त हम उर्मिला होते ना, तो ये महतारा महतारी की शादी करा देते। नहीं नवाब साहब, नहीं नहीं। हाँ बिल्ला, हाँ बिल्ले बोल। माँ, बिल्ली द स्पाई, फोन स्पीकर पे डालो। हाँ हाँ एक मिनट, हाँ बात करो। अरे वापस ऐसे किया ना तो याद रखना। हाँ। माँ स्पीकर पे डाल दिया। हाँ हाँ, सारी इंफॉर्मेशन सबको सुननी चाहिए। तो बिल्ली द स्पाई ने इंफॉर्मेशन निकाली है, वो झगड़ालू जोड़े की 10 साल पहले उनका अरेंज मैरिज हुआ था, और 10 साल में 30 बार फैमिली कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया है उन्होंने। और यहाँ तक कि अपना जो परमानेंट दुश्मन है बुलबुल पांडे, उनके थाने में भी शिकायत दर्ज की है। बिल्लू, अगर वो इतनी बार डिवोर्स फाइल कर ही चुके हैं, तो अब तक हुआ क्यों नहीं? हाँ, तो उनका डिवोर्स क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो। लेकिन जिन जिन वकीलों ने उनका केस लिया है, वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए हैं या केस छोड़कर भाग गए हैं। और जज उनका केस सुनते सुनते त्याग पत्र देकर घर बैठे हैं। तो मोटा मोटा यही उनका इंट्रोडक्शन है। एक काम करो बिल्लू, हमें इस कपल की पूरी हिस्ट्री निकाल कर दो। आई एम बिल्लू द स्पाई, जिसके पीछे पड़ जाए। काट दिया, उनका डिटेल चाहिए, मेरा पूरा डिटेल लाइन नहीं चाहिए। इंसल्टेड, जाओ जाओ यार तुम। छाता मेरा छाओ, मुझे चाहिए। बताइए, इस सारा कंप्लेन का लिस्ट है जो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ किया है, सब कितना ज्यादा। मेरा पति पूरी पूरी रात ऐसे खराटे मारता है जैसे ड्रिल मशीन चल रही हो। तो पत्नी का पढ़ ली ना, मेरी पत्नी बिना जलाए पानी तक नहीं उबालती। हमको खाना में मिर्ची ज्यादा पसंद है, तो मिर्ची इतना सा कम डालती है। बताइए काली, का करती है पत्नी? एक सेकेंड, एक ही मोजे कई कई दिनों तक पहन के घूमते हैं। अभी धूप है क्या छाता बंद कर। धूप है क्या, धूप है क्या अभी? हाँ हाँ ठीक है, ये क्या? ये सुन, एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला सेफ्टी पिन लगा कर देने के लिए, उसने जानबूझकर मुझे चुमा दी। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, तो तारीफ योग्य बात है। अपने मासूम से भोले पति पर इतना ज्यादा इल्जाम लगा सकती है, और एक छोटा सा पिन बड़ा साड़ी में नहीं लगा सकती। इसके लिए पति को दोष देना है। तुझे आती है? मुझे आती है, आती है, आती ना, आती, आती, लगा के दिखा। ऐसे कैसे लगा दे संतोष जी, ना ही तुपिन है, ना ही दुपट्टा है, ना ही कोई साड़ी पहनने वाली लड़की है। साड़ी हम लेके आएंगे। अरे तेरी भाई इसके पूछ काटे। चीता, पिन है हमारे पास, लेके आ रहे पिन गारंटी के साथ। नहीं संतोष जी देखिए, मैं क्या देख रहा हूँ, तुम दोनों पति पत्नी की तरह क्यों लड़ रहे हो? अरे यार बिल्ले, ओहो ये तो कभी होगा ही नहीं। अरे नर पिसाच, ये ले पिन, लगा के दिखा, मन में कैसे लगाते और सामने कैसे लगाते पिन। अब लगा। संतोष जी आइए। अबे पिन लगा। सॉरी 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 संतु जी, इसे इतना बकलोली करा था, हमारा ध्यान उधर चला गया। संतु जी अब ठीक तो है? देखा कितनी प्रॉब्लम है शादी में। बहुत ज्यादा। का बहुत ज्यादा? का बहुत ज्यादा, तुम तो खुद कुंवारा है, फिर भी तुम्हारा एक्सपर्ट एडवाइस देना बनता है ना।
संतोष जी हम क्या कहते हैं कि हम दोनों लोग को ना पति पत्नी के पास चलना चाहिए और दोनों लोग को ना शादी का महत्व समझाना चाहिए। शादी का ऐसा लड्डू है ना, जो खाता है उसको मजा आता है, जो नहीं खाता है पूरा जिंदगी पछताता है। इससे क्या होगा ना कि उन दोनों लोग को शादी का महत्व समझ में आ जाएगा और हम लोग भी शादी कर लेंगे। कि हम लोग शादी का मतलब समझ जाएंगे अच्छा से। हाँ अच्छा आइडिया, चल ट्राई करते हैं। शादी समझाना जी। आई 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 बात करना हमको। अरे एक सलीका होता है बात करने का और आप हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं। अरे ये कौन सी शराफत हुई? शराफत तो आप हमें सिखाइए मत। शराफत अगर आप में होता ना तो हमारे सर पे ये मुसीबत का टोकरी नहीं फोड़ते आप। ये कौन सा नया किराएदार ला के रखे हैं आपने? पूरा दिन लड़ते हैं, काय काय चालू रहता है उनका, एक चैन का सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं हटाया ना तो हम उठा के उनको बाहर फेंक देंगे। अरे ऐसे कैसे उठा के आप फेंक देंगी? अरे एक बार बताइए, जब किराया देना होता है तो सबका शांत मुंह हो जाता है और जब हम चार पैसे जोड़ते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं जोड़ तोड़ करके, तो आप लोगों को जो है तकलीफ होने लगती है। देखिए आपके सफेद बालों का लिहाज कर रहे हैं, वरना यह गियर लगाने के लिए ना हाथ बचेंगे ना ब्रेक लगाने के लिए पैर बचेगा, बता रहे हैं आपको। देखिए मोहतरमा, ऐसा है ना, ये जो तेवर है ना, ये आप किसी दूसरे को दिखाइएगा और हम आपके भौंकार से डरने वाले नहीं है। अच्छा हाँ, और देखिए हट जाइए। नहीं हटेंगे। अरे हटिए आप। हटेंगे कहाँ, नहीं नहीं हटेंगे हम। अच्छा तो हमको तेवर दिखा रही है, है? अभी रुके, अभी बताते तुम्हारे तेवर। हेलो, हाँ हसीना जी। देखिए क्या है, ये आपकी जो एसआई है ना करिश्मा जी, ये हमारी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई है और हमको पुलिसिया जो है धौसा पट्टी दिखा रही है रोड पे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर हमने कोई एक्शन लिया तो बाद में आप यही कहेंगी कि भाई नवाब साहब कुछ करने से पहले हमें बता दिया तो होता। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, जानती है ना हमारी पहुँच कहाँ तक है। अरे हम कमिश्नर से बात करेंगे सीधा और फिर जो कुछ होगा वो आप जानिए और आपकी वो करिश्मा जाने। फोन दीजिए उन्हें। ओके ले लीजिए, बात करिए। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह फौरन वहां से निकलिए। लेकिन मैडम सर, करिश्मा सिंह हम कल खुद लॉयर से जाकर बात करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप निकलिए वहां से, हम अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। क्लियर? जी जय हिंद मैडम सर। चलिए हटिए। लीजिए लीजिए। हाँ हाँ पीछे पीछे। मेरी चाय किथे है? अपने आप जाके बना लो। तेरे प्यो का नौकर नहीं लगा मैं, जाके चाय बना के लेके आ। अब देख लो पाजी, ये हाल है इसका। अरे तीन चाय लेके एक चाय और लेके आ सकती थी ये। अभी पी लीजिए पी लीजिए पी लीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए भैया भैया, आराम से। हम दोनों लोग यहाँ पर आए हैं आप दोनों लोग का झगड़ा सुलटाने के लिए, आप दोनों लोग को पति पत्नी का महत्व तो समझाने के लिए, आप दोनों लोग को मिलाने के लिए, समझे? इंदु जी मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को लेकर आप बिल्कुल सही हैं। मतलब वाकई मर्दों को साड़ी में एक सेफ्टी पिन तक लगाने नहीं आती। वही तो। ना ना बिल्कुल ना संतोष, मर्दों को सेफ्टी पिन लगाने आता है। हाँ तुझे आया अभी? हाँ ना नहीं, कभी 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 क्या होता है कि दाएं बाएं हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है बिल्कुल, लेकिन लगाना तो आता है ना। यही यही बात यही तो मैं कह रहा हूं। मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। देखो ए देखो ऐसे एफटीपी ना, ठीक है? लगाइए लगाइए। हाथ दो। दो हाथ। उनको दिखाए उनको दिखाए। आसान था, आसान आसान। देखा दर्द होया? नहीं होया। देखा कितने प्यार से चीखे हैं, हैं? पर ये जब चीखती है ना, चुप चुप रह। तू यार क्या कर रहा है यार? किसी लक्ष्य को तेरे चिल्ला रहे हो तुसी? मैं भी चिल्ला दिया। और तू तो इस तो भी भयानक चिल्लाती है। और पाजी मल्ले के ना पूरे बच्चे डर जाते हैं और कंधा चित्रेड़ा आ जाती है। किस में क्या आ जाती है? हाँ? यार हम भोजपुरी बोले तुमको समझ में आएगा? हाँ? नहीं ना, हिंदी में डन करते, हिंदी में मत जाओ यार। महेश राजेश, मेरा मतलब है सर जी के दीवारों में दरारें आ जाती हैं, इतनी जोर से चीखती है मल्ले के बच्चों को लगता है कि कोई पूतनी चढ़ाई ला गई है। ये गल्ला कर रहे हो तुसी? मैंने बोल दिया इतनी सी बात ना, इतना बड़ा पहाड़ बना दो तुसी। मैं पहाड़ बनाना? हाँ जी तुसी पहाड़ बना दो। आवाज ना घट करके गल करो मेरे नाल। और चल चल। संतु जी पता नहीं कहाँ है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग आग में घी का काम किए हैं, है ना? सुलझा नहीं देखा और उलझा दिया। ए सर्वेश, राजेश 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 राजेश
देख लूंगी मैं आपको, छोड़ूंगी नहीं, देख लेना मैं तुम्हें देख लूंगी कोर्ट के अंदर। एक्सक्यूज मी। अरे हसीना मलिक जी, आप और हमारे द्वार पर स्वागतम। बैठिए 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 जी, बिल्कुल। प्लेजेंट सरप्राइज। अरे शेखर जाओ जल्दी से दो चाय लेकर आओ, फटाफट जाओ जी। हाँ बताइए। तो हम आपसे दरअसल मिस्टर एंड मिसेस खोसला के केस के बारे में जानकारी लेने आए हैं। मिस्टर एंड मिसेस खोसला, आपका मतलब है केसी? केसी मतलब? अरे कलेश कपल, यहाँ वकीलों और जजों में दोनों इसी नाम से मशहूर हैं। अरे ये दोनों कचहरी में सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, अब तो हर कोई भागता है इनका केस लेने से। क्यों, ऐसा क्या करते हैं दोनों? अरे दोनों ऐसे लड़ते हुए आते हैं मानो अगर डिवोर्स नहीं मिला तो एक दूसरे का खून कर देंगे। जब भी डिवोर्स लेने की बात आती है ना तो ये दोनों भाग लेते हैं। कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है? क्या कहेगा जी, हर बार काउंसलिंग के लिए कहता है, पर ये दोनों किसी की सुनने वाले कहाँ। मतलब इन्होंने कभी काउंसलिंग ली ही नहीं? गए थे जी, ना जाने कितनी बार काउंसलर के पास गए थे, लेकिन जितनी बार ये काउंसलर के पास जाते हैं काउंसलर इनके आगे हाथ जोड़ लेता है। इन दोनों की नॉन स्टॉप तू तू मैं के आगे वो भी मजबूर है। अब तो कोई जादूगर ही इनके कलेश का इलाज कर सकता है। मैडम हद है, पति अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकता, इतना इरिटेट कैसे हो सकता है? सारी की सारी गलती ना पति की है। संतु जी, संतु जी, सारा का सारा गलती पति का नहीं है, पत्नी का है, समझिए ना। ये तो इतना छोटा पिन जैसा लगने वाला बात पर कोई भैंस की तरह डकारता है का? अरे पत्नी हो, थोड़ा अदब से, थोड़ा सम्मान से बिहेव करो। अपने पति से तो ऐसे बतिया रहे थे जैसे कि वो दुकौड़ी का चोर हो, इनका पर्स उठा के भागा हो। जैसे तेरा पति जो है वो दूध का धुलाओ। हमारा पति हमारा कौन सा पति है संतु जी, तो पत्नी का पति है ना। पति कहलाने के लायक नहीं है वो आदमी जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इज्जत नहीं दे सकता। और संतु जी पत्नी धो धो के बेइज्जती कर रही थी बेचारे पति का, कितना बुरा लगा हमको। सारी गलती पति की ही है संतु जी, सारा जो गलती है ना वो पत्नी का, इस संदर्भ में मानिए आप। तू मुझे गलत बोल रहा है? हाँ आपको गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आप भी पत्नी बनी कहाँ है संतोष, समझिए ना। हाँ बनना भी नहीं है वैसे सड़ू आदमी की, इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। और चीते तू भी अगर ऐसी मेंटालिटी रखेगा ना, कोई भी ढंग की लड़की तुझे नहीं मिलेगी। कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी पत्नी से? करता है ना। हाँ? करता है। हमारी डंकिनी बहू करिश्मा जी, वो हमारे लल्ला के साथ ऐसी तो बातें करती है। अरे देखने में सिर्फ औरत मर्द है मगर असल में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। अरे पति है हमारी बहू जो हर वक्त हमारे गरीब बेचारे मासूम भोले लल्ला पर हुक्म चलाती रहती है, उसे घोंच कर दबोच कर रखती है। और हमारा लल्ला पत्नी है, पत्नी जो कुछ नहीं बोलता, एक बेचारी पत्नी की तरह अपने पति का हर जुर्म सहता है, अपने मुंह से चू तक नहीं करता। का नहीं करता? चू चू चू। हाँ तो क्या 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 गलत कहा हमने? कब इन्होंने हमारे लल्ला को यानी अपने पति को पति समझा है? अरे हर वक्त तो उस पर हुक्म चलाती रहती, और हमारा गरीब बेचारा लल्ला हमेशा गाय की तरह ना ऐसी मुंडी हिलाता रहता है। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए, क्या बताएं। हाँ फूट गए उनके भाग, फूट गए जब से वो इस करेले को घर पे लेकर आए थे। हम तो कहते हैं जरूरत क्या था इस करेले के गले में मंगलसूत्र डालने का, हमको बताइए। काहे सात जन्म के वादे कर लिए हमसे, काहे सात फेरे ले लिए हमारे साथ, समझाइए। अरे काला जादू कर दिया था ना? भागिए भागिए, पिटा जाइएगा। काला जादू जो कर दिया था आपने, सुध बुध खो बैठा था वो इन्हें देखने के बाद। देखते ही उसके नाम के पुतले में अपने नाम की कील गाड़ के रखी थी। उस बेचारे को समझ में ही नहीं आया आपके गले में मंगलसूत्र नहीं, खुद के गले में फांसी का फंदा लगा रहा है। जिसे आप काला जादू कह रही है ना, उसे हमारी भाषा में प्यार कहते हैं, सच्चा प्यार। और जिसे आप सच्चा प्यार कह रही है ना, उसे हमारी भाषा में डायन की शिकार बोलते हैं। ना ना पुष्पा जी, इस बार ना हम करिश्मा मैडम के साथ हैं। इधर आइए संतु जी, उसको ना सच्चा प्यार ही कहते हैं। प्यार तो अपने आप में एक बेहतरीन जादू जैसा अनुभव होता है। बकवास। बापरे। हाँ शादी ना सोच समझ कर और सही इंसान से करनी चाहिए, वरना चील कौवे की तरह ना नोचते फिरेंगे एक दूसरे को जिंदगी भर, जैसे वो कर रहे हैं। सही, एकदम सही संतोष जी, एकदम सही। गलत इंसान से शादी मतलब शादी बर्बादी, जहन्नुम। सब धरा का धरा रह जाता है जब पत्नी की बेलन पड़ती है।
ये प्यार मोहब्बत समझदारी शादी के दो दिन बाद ही खिड़की के रास्ते निकल जाती है जब शादी का सामना असलियत से हो जाता है। पप्पा जी तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो शादी का जो नशा होता है ना वो चार दिन में उतर जाता है, है? और तारे तो दो दिन में दिख जाते हैं। ऐसे के लिए शादी दुनिया की सबसे बड़ी बर्बादी है कि ये बोल रही है जो करदा ने सीधा उठते जानता कि चल नहीं जानता। बोलो पूरी की रहे हो ओ जुआ जी जुआ, जिसकी लॉटरी लगी उसकी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ऐसे जूते चप्पल चल चल। बात तो सही है। का सही है? मैं कहता हूँ शादी होनी नहीं चाहिए। मर जाएगा, यही मर जाएगा। तेरे मैं दस दस। चलो शांत हो जाइए, थाना है ये। हाँ मग मग ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम सर आ गई है, थाना तो बहुत देखे हैं लेकिन इस थाने जैसा थाना। तुम कहाँ जाओ? जाओ विकेट कीपिंग। क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस थाना है या सर्कस है, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? बेवकूफी हो रही है यहाँ पर आप, और आप सब मस्ती कर रहे हैं। करिश्मा सिंह आप, हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी। ये यहाँ पर ये बर्तन इकट्ठा करो और आप सर पकड़ कर बैठी है, रोका क्यों नहीं इन सबको? नहीं नहीं मैडम सर, ये ऊपर वाले कलेशी जोड़े की वजह से हम सब में ये कलेश पैदा हुआ है। कुछ हस्बैंड की तरफ से है, कुछ वाइफ की तरफ से है, मैं न्यूट्रल हूँ। माँ तुम किसकी तरफ से हो? हम हमारे लल्ला की तरफ है। ये लल्ला की तरफ से है। माफी चाहते हैं मैडम सर, ये आवेश में हो गया, गलती है, शर्मिंदा है हम सब। आप सब लोग क्या मुंह ताक रहे हैं, हमारा माफी मांगिए ना मैडम सर से। ठीक है ठीक है, आप जा सकते हैं। जाइए जाइए भागो। मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए, ये सब हम देख लेंगे, हम ठीक कर देंगे। आप बताइए, आप डिवोर्स लॉयर के पास गई थी, वहाँ कुछ बात हुआ? उस डिवोर्स लॉयर का कहना है कि उस कपल को काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन किसी भी काउंसलर ने ऐसा करने से मना कर दिया है। सबको लगता है कि वो एक गॉन केस हो चुके हैं, होपलेस केस हो चुके हैं। उस कपल को सिर्फ लड़ाई करने में मजा आता है, इसलिए अब हर काउंसलर ने, कोर्ट ने, लॉयर ने, सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर अब कौन करेगा उनका काउंसलिंग? हम करेंगे। आप कैसे कर सकती है काउंसलिंग? आपकी शादी कहाँ हुई है? और हमें लगता है ना आजकल सब लोग भूल रहे हैं कि हम यहाँ काउंसलिंग हेड है। तो ठीक है फिर आप रिटायरमेंट ले लीजिए मैडम सर, क्योंकि काउंसलिंग तो हम ही करेंगे, हमारी शादी नहीं हुई है शायद, इसीलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन हम ही सबसे बेहतर निकाल पाए। अबे ये ले बिरयानी ले पहले। ये अभी ला रहे हो बिरयानी, इतना लेट? बंदा भाई काम की बात करो। बिल्ले सुन, अभी का और पुराने पिछले 5 साल का 5,55,565 रुपए बे, वो दे फिर ये खा, समझ लो ना। अच्छा 5 साल के बाद आना। ए बिल्ले चीटिंग करता तो, अरे चीटिंग करता तो, चीटिंग करता चीटिंग। बिल्लू निवास में आके बिल्लू से पैसा मांगेगा? बिल्ले ए बदनाम, तेरा हाथ मेरे हाथ में है। बिल्ले मेरा हाथ नहीं है वो। फिर क्या है? हे हे गला पकड़ ले। सॉरी 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 सॉरी, ये बिजली कैसे जा रही है? बिल तो भरा था। अबे बिल्ले आज से इस थाने में जो है अंधेरे का राज चलेगा। तू बाहर कैसे आया? मैं डर गया। बिल्ले आज अमावस की रात है और जो लाइट आ रही है जा रही है ना, ये सब भूतों का किया धरा है। हाँ, क्योंकि रात के अंधेरे में इंसानों के पास जा सके, उनका खून चूस सके। अरे बिल्ला का आ गया, बिल्ला का आ गया। अरे बागड़ बिल्लो खाने तो दूर। देखिए हम कह रहे हैं आपसे, अभी भी समय है, मत कीजिए उनकी काउंसलिंग, कोई फायदा नहीं इस जोड़े को समझाने का। देखिए हम समझाते हैं आपको, पत्थर पर सर फोड़ने से क्या होता है, पत्थर को तो कुछ नहीं होता मगर हमारा सर फूट जाता है, इसलिए कह रहे हैं। देखिए आपको तो पता है हमने हमारे काउंसलिंग से, बेहतरीन काउंसलिंग से कितने सारे केसेस सुलझाए हैं। कितने? आप समझ नहीं रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। क्यों आप, अगर हम हार मान रहे हैं इनके सामने तो फिर आप क्या चीज है? आप तो बहुत महान चीज है, हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, मगर क्यों अपना समय बर्बाद करिए जोड़े के सामने मैडम सर?
हाँ पुष्पा जी, लेकिन किसी ना किसी को तो इनकी काउंसलिंग करके सिचुएशन को बेहतर करना होगा ना, वरना वो जिंदगी भर हमारे सर पर नाचते रहेंगे, तांडव करते रहेंगे। लेकिन आप मैडम सर, पुष्पा जी सही कह रही हैं, इस बार आप हमें गलत लग रही हैं। हाँ आप सही कह रही हैं पुष्पा जी, क्या है ना कि आप ऐसी जगह प्रयास करने जा रही हैं जहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ असफलता ही हाथ आएगी। हाँ बांस के पेड़ पे बारिश व्यर्थ है मैडम सर। हाँ लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको जाके प्रयास करना चाहिए तो आप जाइए, लेकिन अगर स्थिति बदलती है और गड़बड़ लगती है तो बस आप एक सीटी मार दीजिएगा ऐसी, हम आ जाएंगे और उन दोनों के होश ठिकाने लगा देंगे। नहीं नहीं मगर मैडम सर से पूछो तो सही कि आपको सीटी मारनी आती है। हाँ उनको सब आता है, आप चलिए। जी क्या आप जाइए, शायद इनको जरूरत पड़ेगी हमारी। आप रुकेंगी तो हमें परेशानी होगी, प्लीज आप भी जाइए। चलिए और कुछ सुनना बाकी है तो सुन लीजिए। ये केस तो हमारे थाने में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इससे पहले कि ये हमारे बीच और प्रॉब्लम्स बढ़े हमें इस केस को सॉल्व करना ही होगा।